सारी शेजवान करेंगे। महाराष्ट्र का स्टॉल है और ये आंध्र प्रदेश का स्टॉल है, तो ये उसका ब्लैक राइस का खीर। हेलो फूडी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जोड़ी हो तो फूडी। तो गाइस, अगर आप अभी दिल्ली में हो तो आपके पास ये आखिरी मौका है। जी हाँ, आखिरी मौका। अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिरी मौका किस चीज का, तो दिल्ली में चल रहा है फूड फेस्टिवल जिसका नाम है सरस, और ये जो है ना सीपी के पास में है। लोकेशन एग्जैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर 21 स्टेट्स ऑफ इंडिया के जो फूड है ना वो यहाँ पर डिस्प्ले हुए हुए हैं। 30 प्लस काउंटर्स हैं यहाँ पर। जी, आपको सर्व कर रहे हैं यहाँ पर 21 स्टेट्स के फूड, तो आप यहाँ कर एंजॉय कर सकते हो। हमारे जैसे जो फूडीज है उनके लिए तो भाई मतलब ये पूरा एक क्या बोल सकते हो, फूड फेस्टिवल ही है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वैरायटीज के फूड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, खा सकते हो। जिन स्टेट्स में आप अभी तक नहीं गए हो लेकिन वहाँ के फूड खाने की आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, वो आप यहाँ पर आकर पूरी कर सकते हो। तो दिल्ली वालों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक चांस है, तो जल्दी से आइए और यहाँ पर फूड वैरायटीज को एक्सप्लोर कीजिए। हम तो आज बहुत मजे लूटने वाले हैं। हम आपको जितना हो सके उतना सारे काउंटर्स दिखाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे हम कुछ ट्राई कर सकते हैं या नहीं। जो भी ट्राई कर सकते हैं हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस होगा कि आपको जितना फूड हो सकता है उतना फूड हम आपको दिखाएं। राइट, तो इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल कुछ मिस मत करना, आप कुछ चांस ही नहीं आपका मिस करने का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कश्मीरी कहवा का भी अलग से एक सेक्शन लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे कश्मीरी कहवा भी इंजॉय कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये राजस्थान का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए देखते हैं इनके पास क्या क्या चीजें मिल रही है। दाल कचौड़ी है। अच्छा। ये आलू प्याज की कचौड़ी है। अच्छा। ये मिर्ची वड़ा है और ये दही वड़े है। ये रबड़ी घेवर। ये रबड़ी घेवर है। अच्छा, और ये क्या है? ये बाटी है। बाटी। और यहाँ पर क्या है? दाल है, बेसन गट्टे की सब्जी है। ये दाल होगी, ये बेसन गट्टे की सब्जी होगी। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का स्टॉल। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, इनसे पूछते हैं इनके स्टॉल पे क्या क्या है। हाँ जी बताइए क्या क्या है आपके स्टॉल। चिकन का, ये चिकन का मोमोज है। ओके, ये चिकन पकोड़ा है। ये चिकन पकोड़ा है। फिर ये शीता के मशरूम का मोमो है। कौन सा? शीता के मशरूम मोमो। ओके, उसके बाद फिर ये पनीर मोमो है। इसमें स्टफिंग कौन सी रहती है? शीता की मशरूम। ओके, मशरूम की स्टफिंग है। ये मशरूम बहुत अच्छा है, बेनिफिट है अपना। अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये मशरूम है। ओके, पनीर के है और इसमें बटर टी बनता है। बटर टी है। व्हाट इज दैट, क्या है वो? वो बटर टी थोड़ा नमकीन वाला होता है, हम इसी चाय को यूज करते हैं। ओके ओके ओके। और ये रागी का हलवा है, रागी का हलवा। फिर ये हो गया गेहूं का लड्डू। Okay. हम लोग मरदान बोलते हैं इसको। ओके ओके, आज का मेनू में इतना ही है हमारा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हो उत्तराखंड का स्टॉल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। बता सकते हो क्या क्या मिल रहा है आपके स्टॉल पर? हमारे स्टॉल पे रागी के गोलगप्पे हैं, रागी के गोलगप्पे, रागी के स्प्रिंग रोल हैं, रागी के लड्डू भी हैं, रागी और फ्लेक्सीड के लड्डू भी हैं। मेरे पास झंगोरे की खीर है। ये वही का फेमस है उत्तराखंड का? कौन सी खीर बताई आपने? ये झंगोरे की खीर है मैम। किस चीज से बनती है? ये मिलेट्स, मिलेट्स से। ओके ओके ओके। गाइस, यहाँ की जो वाइब है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आप देख सकते हो यहाँ पर आराम से बैठ के भी आप फूड एंजॉय कर सकते हो। गाने चल रहे हैं, आराम से बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो खाना अपना। एनवायरनमेंट इतना बढ़िया, आपको यहाँ पर आके दिल खुश हो जाएगा। तो ये वेस्ट बंगाल की फूड स्टॉल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। बताएंगे क्या क्या है आपके यहाँ पर? नमस्कार, वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरे पास को ये है मटन करी। अच्छा, मटन करी है ये? मटन करी।
ये प्योर बंगाली स्टाइल में बनता है एकदम। ओके, चिकन करी। अरे वाह, कतला का लिया। कौन सी फिश है ये? कतला। कतला, ओके, कड़ी है ये। वाह, बंगाल अपने फिश के लिए ही फेमस है। ये रोहू का लिया। अच्छा, रोहू की कड़ी है। ओके, और ये क्या है? प्रॉन मलाई करी। वाह, प्रॉन मलाई करी। वाह, और ये क्या दिख रहा है? ओहो, स्वीट डिश। स्वीट डिश है। ओके, ये प्रॉन पकौड़ा। वाह, अच्छा, फिश फिंगर। ओके, और एक देवी एग। एग है। ओके, प्रॉन पकौड़ा है। वाओ, थैंक यू। ये आसाम का स्टॉल है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। हाँ जी, बताएंगे क्या क्या है आपके स्टॉल पर? हमारे स्टॉल पे चाय है। चाय तो फेमस है। जी, हाँ। चाय मिल जाएगी। उसके बाद ये ब्लैक राइस का खीर है। ब्लैक राइस का खीर, हाँ। वहाँ का फेमस है। हाँ, वो मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है ये चावल। वाओ, उसका खीर स्वीट है ना, मतलब स्वीट डिश है। ओके ओके, तो ये हरियाणा वाला स्टॉल है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मेन्यू है। यहाँ पे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी सारी प्रिपेयर हो रही है। तो गाइज ये हम है आंध्र प्रदेश के स्टॉल पर, और देखिए यहाँ पर बारबेक्यू हो रही है। फिश पॉपलेट फिश लग रही है ये। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो क्रैब्स, फिशेस सारी मैरिनेट करके रखी हुई है यहाँ पे। प्रॉन्स, वाओ। तो गाइज ये है तेलंगाना वाला स्टॉल, चलिए देखते हैं इनके स्टॉल में क्या क्या चीजें हैं। आप नमस्ते, आप बता देंगे आपके स्टॉल पे क्या क्या चीजें हैं? हम चिकन बिरयानी, मतलब ये चिकन बिरयानी है, चिकन दम बिरयानी। वाओ, हैदराबाद चिकन दम बिरयानी। कितने किलो का बना होगा ये? 10 किलो का। 10 किलो का है। वाओ, और ये क्या है? हैदराबाद मटन दम बिरयानी। ये मटन दम बिरयानी। वाओ, ये क्या है? डबल कमीटा, हैदराबाद स्पेशल का। कौन सा? डबल कमीटा। डबल कमीटा, मीटा। ओके, और बिरयानी कैसे? सालन। ये किस चीज का सालन है? मिर्ची का सालन। मिर्ची का सालन, प्योर वेज का। ओके ओके ओके, और ये रायता। रायता, वाओ। और सलाद भी देते हैं। सलाद है, और यहाँ पर मोरल मच्छी फ्राई करके दे, बड़ा लंबा। अच्छा, मैरिनेट करके रखा आपने। ओके, और वहाँ पे चिकन 65। और ये क्या है? चिकन लेग पीसेस। चिकन लेग पीस। तो गाइस ये महाराष्ट्र का नॉन वेज वाला स्टॉल है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें इनके पास अवेलेबल है। हाँ, ये क्या है? ये चिकन लीवर है। चिकन लीवर है। ये मटन लीवर है। मटन लीवर है। वाओ, ये चिकन ग्रेवी में है, ये चिकन ड्राई में है। चिकन ड्राई, आपला महाराष्ट्र जो मसाला असतो त्यानेच बनलेला आहे। हे मटन ग्रेव्ही मध्ये आहे। अच्छा, हे मटन ड्राय मध्ये आहे। मटन ड्राय मध्ये, आणि लसणाची चटणी आहे। हा, हे वडापाव सोबत येणार। वडापाव सोबत येते। अच्छा, वाव, एवढंच आहे का? नॉन पुरणपोळी आहे। गाइज ये केरळचा स्टॉल आहे। ये क्या है? ये कप्पा फिश करी है, स्पाइसी फिश करी। फिश करी एंड टपियोका, बनाना फ्राई, चिकन रोल, फिश कटलेट और चिकन चटी पत्री है। चिकन चटी पत्री, फिश फ्राइज, मैकरल, प्रॉन्स और पर्ल्स कोड का वो लाइव चल रहा है ना, वो तवा रोस्ट है। वो क्या है? तवा रोस्ट है। हाँ, मलाबार चिकन तवा रोस्ट है। चिकन है। हाँ, उसके साथ तो गरम गरम पराठा और मीठा घी सब 350 का कॉम्बो ऑफर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक ऐसा जो है बैंड लेना पड़ेगा, एक ऐसे ऑनलाइन काउंटर से जहाँ पर आप अपने बैंड में पैसे आपके कलेक्ट करवा सकते हो। मतलब आपको जितने का भी रिचार्ज करवाना है, 1000 का, 500 का, वो रिचार्ज आप करवा सकते हो। और आप यहाँ पे किसी भी स्टॉल पे खाना खा सकते हो उसके का। एंड आप इसको वापस से अगर आपको बढ़ाने हैं पैसे तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हो। और अगर आपने मान लो 1000 रुपए का रिचार्ज करवाया लेकिन 500 का ही खाया तो आपको 500 रुपए वापस रिफंड भी मिल जाए। हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल के स्टॉल पर प्रॉन पकोड़ा ऑर्डर किया है, तो चलिए देखते हैं हमारा प्रॉन पकोड़ा कैसे आ रहा है। मस्टर्ड का। ओके, थैंक यू। तो ये रहे हमारे प्रॉन पकोड़ा, इसे हम ट्राई करके देखेंगे। तो गाइस चलिए, वेस्ट बंगाल के स्टॉल से हमने लिया है ये प्रॉन पकोड़ा। 2 पीसेस आया हमें 100 रुपीज में, साथ में आपको ये चटनी मिल जाएगी मस्टर्ड की, और ये सॉस है और कुछ सैलेड है। चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं, काफी क्रिस्पी है। Hmm.
सबसे पहले इतना क्रिस्पी है ये प्रॉन पकौड़ा, और अंदर से बहुत बड़ा वाला प्रॉन यूज किया है इसमें, और साथ में ये जो चटनी है ना मस्टर्ड की चटनी, उसके साथ ट्राई करके देखती हूँ। काफी अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत टेस्टी है, मैं इसको देना चाहूंगी 8.5 out of 10। तो हम हैं अभी गाइस जम्मू कश्मीर के स्टॉल पर, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। हाँ जी, आप क्या क्या चीजें दे रहे हो? जी हमारे पास कश्मीर का फेमस वाजवान है यहाँ पे। ये क्या है? इसमें कश्मीरी रोगन जोश। ये रोगन जोश है, ये भी सेम है। ओके, और कश्मीरी शामी कबाब है हमारे पास। शामी कबाब, वाओ जी बिल्कुल। और कश्मीरी स्टाइल चिकन करी, वाओ। और ये हमने एक नया डिश बनाया कश्मीरी वाजवान मशरूम यखनी, इसको दूध के साथ बनाते हैं। इसे दूध के साथ बनाते हैं। और ये नदरू पालक कमल ककड़ी जो होती है उसी का डिश है हमारे पास। ओके, अभी बिहार के स्टॉल पर तो आप देख सकते हैं, ये है बिहार का स्पेशल लिट्टी चोखा, यहाँ पर बन रहा है ये लिट्टी, आप देख सकते हो बिहार की ऑथेंटिक स्पेशल डिश है। ये है उत्तर प्रदेश का स्टॉल, आपको बता दे हम लगवा रहे हैं पालक पत्ता वाली चाट, ये देखिए बड़ी टेस्टी है ये, बोलना सर। अच्छा, ये बड़ी टेस्टी होती है, यहाँ के स्टॉल वाले बता रहे। और गाइस बाकी तो चाट हम वैसे भी खाते ही रहते हैं, ये कुछ अलग चाट है तो हमने सोचा चलिए ये ट्राई करके देखते हैं। तो हम ऐसी जगह पर आए इसके लिए ताकि हम कुछ यूनिक चीजें ट्राई करें। तो इन्होंने इसे अभी थोड़ा क्रिस्पी करारा किया हुआ है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें डाली जाएंगी, कैसे प्रिपेयर होती है चाट। प्लेट में ये करके रखा। ओके, पालक के पत्ते ये बेसन में फ्राई करे हुए। ओके, प्लेट हो गए बन के तैयार, अब इसमें डाला मसाला। मसाला इसमें डाला, आपका खुद का मसाला? हाँ जी। ओके, अब इसमें डाली, ये किस चीज की चटनी है? डाली इसमें गुड़ की चटनी है ये लो। और ये है दही। दही, ओके। और ये है ग्रीन वाली चटनी। अच्छा, पुदीने धनिया की चटनी है ये। हाँ जी, ये आ गई जी भुजिया, ये सेव है बारीक सेव। हाँ जी। ओके, अरे आ गया टमाटर, प्याज, हरी धनिया, ये ले। बिल्कुल सेवपुरी वाली जो चाट होती है ना, सेवपुरी वैसी ही बन रही है ये भी। चलिए ट्राई करते हैं पालक पत्ता चाट, ये जो है ना हमने उत्तर प्रदेश के स्टॉल से ली थी और हमें सिर्फ ये 100 rupees की ही मिली है, तो चलिए देखते हैं खा के इसे। वाव, जिन्हें जनरली पालक खाना पसंद नहीं है वो इस तरीके की चाट के फॉर्म में जरूर इसे खा सकते हैं, बहुत मजा आ जाएगा आपको। मेरे हिसाब से इसको 9.5 out of 10 है सच में। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैब का बारबेक्यू हो रहा है, आपने देखा है कहीं पर, ये आंध्र प्रदेश का स्टॉल है और यहाँ पर क्रैब बारबेक्यू हो रहा है। वाव, ना बड़ा साइज है क्रैब का। गाइस यहाँ पे नूडल्स बना रहे हैं, ये चॉपस्टिक से प्रिपेयर कर रहे हैं, अलग ही स्टाइल है इनका बनाने का। हम यहाँ पर अभी हमारे चिकन शेजवान फ्राइड राइस लगवाने वाले हैं। ये देखते हैं अभी हमारे चिकन फ्राइड राइस कैसे बनते हैं शेजवान वाले। सबसे पहले तो इसमें तेल डाल के, अनियन डाल के, ये बीन्स डाल दिए गए हैं, मटर डाल दिए गए। वाओ वाओ, अब इसमें केचप है, केचप डाला है। वाओ, एंड ये शेजवान चटनी, भरपूर सारी शेजवान चटनी। अब इस पर राइस डाल दिया गया है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एंड ये सोय सॉस है, ये इनका विनेगर है। हमारे फ्राइड राइस रेडी हो रहे हैं। दिस इज पेपर, वाओ। तो चलिए गाइस, हमने ऑर्डर किया था मिजोरम के काउंटर से ये चिकन शेजवान राइस, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल लगा, जैसे कि हम खाते हैं कहीं पे और चाइनीज बनते हुए देखते हैं, या फिर दिल्ली में या मुंबई में कोई और अदर सिटी में, उनसे काफ़ी अलग तरीका था बनाने का। तो देखते टेस्ट क्या अलग आता है इसमें।
काफी यूनिक सा फ्लेवर है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है एकदम। मतलब बोलते हैं ना जैसे हमको चाइनीज राइस खाने होते हैं ना, फ्राइड राइस, सेम वैसे ही है। और मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, लेकिन एकदम परफेक्ट है। और जो चटनी है इनकी, माइंड ब्लोइंग, ये देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा जब आप खाओगे ना, आउटस्टैंडिंग। मैं तो इसको 10 में से 10 देना चाहूँगा। तो गाइज हम ये लगवा रहे हैं हमारी स्पेशल राजस्थान की रबड़ी कुल्फी, चलिए देखते हैं कैसे बना रही है। इतनी बड़ी साइज है कुल्फी की, थोड़ा पानी में इसको भिगो के थोड़ा उसको निकालेंगे क्योंकि जम चुकी है अच्छे से कुल्फी। एंड आई थिंक ये रबड़ी में भिगो के, ओ माय गॉड, वाओ। तो गाइज हमने यहाँ पर आज बहुत मजे किए, हमने जितना हो सकता आपको दिखाने की कोशिश की है, राइट। हमने कुछ कुछ चीजें ट्राई की, हालांकि बहुत मन था सारी चीजें ट्राई करने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है ही नहीं किसी के लिए। तो जितना हो सकता था हमने ट्राई किया और बस मतलब फूड का मजा लिया हुआ है हमने। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को करें लाइक। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।